भारत में पड़ती जबरदस्त गर्मी चुनावों को भी प्रभावित कर सकती है। तीसरे और चौथे चरण में 191 सीटों पर मतदान होना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 186 सीटों पर तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रहेगा। पहले दो चरणों में वोट प्रतिशत में आई कमी को जबरदस्त गर्मी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हाँ, ये तो है। पूर्व में भी हमने मतदान कराया है तो जिस हिसाब से एक घंटा में पोलिंग होनी चाहिए थी उस हिसाब से कम पोलिंग हो रही है। इसमें गर्मी का तो असर है, गर्मी का असर है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से कम पोलिंग है अभी। भारतीय मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त लू चलने की चेतावनी दी है। पश्चिमी बंगाल में गंगा का तटीय हिस्सा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य इससे प्रभावित होंगे। रविवार को आंध्र प्रदेश के नांदियाल में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 1 मई के बाद ही मौसम में बदलाव के कुछ आसार हैं, जिनसे गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में तो गर्मी के चलते हालात और खराब हैं। स्टोव जलाते ही रुमाना इस्लाम का पूरा किचन गर्म हो उठता है और ढाका में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने के चलते छोटे से अपार्टमेंट में उनका दम घुटने लगता है। गर्मियां हर साल आती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। खासकर इस साल यह नहीं सही जा रही है। मैं खाना पकाते समय स्टोव के बगल में नहीं खड़ी रह पाती। कुछ पकाने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों के लिए खाना पकाना ही होता है। खाना बनाते हुए पसीना आता है, चक्कर आने लगता है, लगता है खड़े खड़े गिर जाऊंगी। परिवार एसी का खर्च नहीं उठा सकता और झुलसाती गर्मी में पंखे से कम ही राहत मिल पाती है। मेरे बच्चे सो नहीं पाते, वे लू के चलते परेशान रहते हैं। जब बिजली जाती है तब मुझे उन्हें हाथ से पंखा झलना पड़ता है और गर्मी से वो अक्सर बीमार पड़ते हैं। हफ्तों से बांग्लादेश में तापमान बहुत ऊंचे स्तर पर है। जबरदस्त गर्मी की चेतावनी के बावजूद सरकार ने स्कूल एक हफ्ते बंद करने के बाद फिर से खोल दिए हैं। उनका कहना है कि विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी करनी है, लेकिन जबरदस्त गर्मी माता पिता के लिए चिंता बनी हुई है। अभी तापमान बहुत ज्यादा है तो बच्चे जितना पढ़ते नहीं उससे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। धूप बहुत ही ज्यादा गर्म है, सभी बच्चे इतनी गर्मी नहीं झेल सकते। दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा पर बसे बांग्लादेश की असाधारण भौगोलिक संरचना के चलते यहाँ ऐसी चरम मौसमी घटनाओं का डर ज्यादा रहता है। हालांकि ये देश दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1% का भी योगदान नहीं देता, फिर भी बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारियों पर सरकार सालाना बजट का 7% हिस्सा खर्च करती है। अंतर्राष्ट्रीय मदद भी देश की जरूरतों के मुकाबले काफी कम है। गर्मी से खुद को बचाने के लिए कई लोग धर्म की शरण में पहुंच रहे हैं और बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।